एक घने जंगल में एक कालू कौवा रहता था। उसकी अभी अभी ही शादी गोरी कौवी से हुई थी। गोरी कौवी जबान की बहुत तेज थी। वह कालू कौवे की एक भी बात नहीं सुनती थी और उसकी माँ की भी नहीं सुनती थी। एक दिन कालू कौवे की माँ अपनी बहू गोरी कौवी से कहती है कि बेटा, तुम बाहर जा रही हो, जल्दी से आ जाना, क्योंकि मैं बहुत दिनों से नदी पर नहीं गई हूँ। गोरी कौवी कहती है कि देखो, मुझे बेटी बेटी मत कहो, मैं तुम्हारी कोई बेटी नहीं हूँ, मैं तो अपनी माँ की दुलारी बेटी हूँ। तो कालू कौवे की माँ कहती है कि बेटा, सास और बहू दोनों का माँ बेटी का ही रिश्ता होता है। गोरी कौवी कहती है कि तुम बेवजह मुझे अपनी बेटी मत बनाओ, और इतना कहकर वह जंगल की तरफ चली जाती है। उधर जंगल में टूनी चिड़िया और कबूतर एक पेड़ पर बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर कालू कौवा भी चला जाता है। अब कालू कौवा टूनी चिड़िया से कहता है कि टूनी बहन, मेरी पत्नी गोरी कौवी से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, वह मेरी एक ना सुनती और मेरी माँ का भी काम नहीं करती। तो कबूतर कहता है कि कालू भैया, जवानी में तो तुमने अपनी माँ की एक ना सुनी, और ऊपर से तुम बीबी लाए हो, बीबी भी तुम्हारे जैसी है। अगर तुम्हारी बीबी तुम्हारी माँ का काम नहीं करती है तो तुम अपनी माँ का काम स्वयं कर लिया करो। और इतना कहकर वह तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब एक दिन की बात है, कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है कि गोरी, मैं दूर के जंगल में जा रहा हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। तो गोरी कौवी कहती है कि तुम दूर के जंगल में जा रहे हो तो मेरे लिए कोई स्वादिष्ट फल भी ले आना। फिर कालू कौवे की माँ कहती है कि बेटा, मेरे लिए भी दवाई ले आना, क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आती और बहुत खांसी आती है। फिर गोरी कौवी कहती है कि हाँ कालू जी, तुम मेरे फल मत लाना, तुम्हारी माँ के लिए ही दवाई ले आना। अब कालू कौवा कुछ न कहता और वहाँ से कुछ बोले बगैर ही चले जाता है। अब कालू कौवे की माँ गोरी कौवी अपनी बहू से कहती है कि बेटा, आज मेरा पेट कुछ ख़राब हो रहा है, तो मेरे लिए कुछ नरम चीज़ सेवइयाँ वगैरह बना देना। तो गोरी कौवी कहती है कि तुम्हारा पेट वेट तो कोई ख़राब नहीं होता है, तुम्हें सिर्फ अच्छा अच्छा खाने को चाहिए। और वह कहती है कि मैं तो तुम्हें कोई बना के नहीं देने वाली हूँ, तुम ही अपने हाथों से बना लो, मैं तो अपनी माँ के यहाँ जा रही हूँ। फिर कालू कौवे की माँ कहती है कि बेटा, तुमने कालू से पूछा है क्या? तो गोरी कौवी कहती है कि मुझे किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना कहकर वह जंगल की तरफ चली जाती है। अब कालू कौवे की माँ सेवइयाँ बनाने के लिए जाती है और उसे अचानक कमजोरी के कारण चक्कर आ जाते हैं, और वह चक्कर आने की वजह से ज़मीन पर गिर जाती है। उधर कालू कौवा कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपये है और मुझे मेरी माँ के लिए दवाई भी लेना है और गोरी कौवी के लिए कुछ फल भी लेना है, क्या करूँ? फिर वह सोचता है कि मैं गोरी कौवी के लिए फल ले लेता हूँ और दवाई मेरी माँ के लिए कल ले लूँगा। फिर वह एक
फ्रूट वाले की दुकान पर जाता है और वहाँ से एक सेब लेकर घर की तरफ रवाना हो जाता है। घर आकर देखता है कि उसकी माँ बेहोश पड़ी है। कालू कौवा कहता है कि माँ उठो, तुम्हें क्या हुआ? फिर वह उसकी माँ को उठाता है और एक जगह बिठा देता है और कहता है कि माँ तुम ज़मीन पर कैसे गिर गई थी? तो कालू कौवे की माँ कहती है कि बेटा मैं सेवैयाँ बनाने के लिए गई थी और कमज़ोरी के कारण मुझे चक्कर आ गए, इसलिए मैं ज़मीन पर गिर गई थी। तो कालू कौवा कहता है कि माँ तुम क्यों सेवैयाँ बनाने को गई? तुम गोरी कौवी से कह देती। तो वह कालू कौवे की माँ कहती है कि बेटा बहू तो उसकी माँ के घर गई है, अभी तक आई नहीं। इतने में वह गोरी कौवी आ जाती है और कहती है कि लगा लो मेरी चुगली, लगा लो, तुम्हें जितना चाहे मेरी चुगली लगाना हो लगा लो। फिर कालू कौवे की माँ कहती है कि बेटा मैं चुगली नहीं लगा रही हूँ, मैं तो मेरे बेटे को बता रही हूँ। फिर गोरी कौवी कहती है कि मैं तो तुमसे रोज़ रोज़ तंग आ गई, तुम मर क्यों नहीं जाती? तो कालू कौवा कहता है कि गोरी तुम ये क्या कह रही हो, वो मेरी माँ है। तो गोरी कौवी कहती है कि वह तुम्हारी माँ होगी, मेरी माँ नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है मेरे साथ तो मुझे एक अलग से घर दिलाना पड़ेगा, वरना मैं अपने मायके को चली जाऊंगी। और फिर वह गोरी कौवी अपने कमरे में चली जाती है। अब कालू कौवे की माँ रो रो कर सो जाती है और कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों लेटे हुए रहते हैं। गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है कि देखो कालू जी, तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, तुम्हें दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना होगा। तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो मुझे एक अलग से घर लेकर देना पड़ेगा, वरना मैं अपनी माँ के घर चली जाऊँगी। कालू कौवा कहता है कि नहीं नहीं, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से है, मैं तुम्हें दूसरा मकान कैसे ले सकता हूँ? गोरी कौवी कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मैं अब तुम्हारी माँ के साथ एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम्हें मुझे रखना है तो मुझे अलग घर लेकर देना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपनी माँ के यहाँ चली जाऊँगी। फिर वह गोरी कौवी दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है और कालू कौवा रात भर जागता रहता है। अब सुबह हो जाती है, कालू कौवा अपनी माँ के कमरे में जाता है और अपनी माँ के मुंह पर पट्टी बांध देता है और उसके पंखों को बांध देता है। अब उसकी माँ कहती है कि बहू मुझे मत बांधो, मेरे साथ ऐसा मत करो। अब उसकी माँ को क्या पता था कि यह उसका खुद बेटा ही उसे बांध रहा था और वह बांधकर गोरी कौवी के पास आ जाता है और गोरी कौवी से कहता है कि मैंने मेरी माँ को बांध दिया है और पट्टी भी बांध दी है, मेरी माँ को मैं कल कहीं वीराने में जाकर छोड़ के आ जाऊँगा। फिर गोरी कौवी कहती है कि ये तुम जानो, तुम उसे कहीं भी छोड़ के आओ। फिर कालू कौवा अपनी माँ को एक टोकरी में रख लेता है और उसे लेकर एक वीरान जंगल में छोड़कर आ जाता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, टूनी चिड़िया और कबूतर आपस में बात कर रहे थे कि वहाँ से कालू कौवा आता है। वह कालू कौवे को आते हुए देखते हैं
और दोनों ही बातें करते रहते हैं कि आजकल 2-3 दिन से कालू कौवे की माँ नहीं दिख रही है, पता नहीं इन्होंने कहीं उसे मार तो नहीं दिया। तो कबूतर कहता है कि बहन मुझे इसकी तरकीब ढूंढना पड़ेगी, कुछ न कुछ तो देखना पड़ेगा। फिर कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। वह टूनी चिड़िया कालू कौवे से पूछती है कि कालू भैया तुम्हारी माँ 2 दिनों से नहीं दिखाई दे रही है। तो कालू कौवा कहता है कि मेरी माँ मेरे मामा के घर गई है। तो कबूतर कहता है कि तुम्हारा तो कोई मामा नहीं है। तो कालू कौवा कहता है कि वह दूर के जंगल का मामा है, उसके यहाँ गई है। और फिर इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अब टूनी चिड़िया और कबूतर रह जाते हैं। कबूतर कहता है कि टूनी बहन मैं इसका पता लगा लूँगा। तो टूनी चिड़िया कहती है कैसे, बोले तुम सब्र रखो मैं सब पता लगा लूँगा। फिर कबूतर कालू कौवे के यहाँ पर जाता है और कालू कौवे से कहता है कि कालू भैया ये तुम्हारे पिताजी ने मेरे पास एक वसीयत रखी थी कि जब तुम्हारी माँ मर जाए तो वह उसकी जायदाद उसे दे दे। अब इस कागज़ के ऊपर तुम्हारी माँ का अंगूठा लग रहा है। तो वह गोरी कौवी कहती है कि कितने की रकम है। वह कबूतर कहता है कि पूरे 5 लाख की है। अब गोरी कौवी 5 लाख का नाम सुनकर बड़ी हैरत में आ जाती है कि बूढ़ी कौवी तो सोने की हो गई। फिर वह कालू कौवे से कहती है कि कालू जी चलो हम अपनी माँ को ढूंढ कर लाते हैं। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी वही वीराने में चले जाते हैं। कालू कौवे की माँ अभी तक जिंदा थी। वह कालू कौवा और गोरी कौवी अपनी माँ को घर ले आते हैं। अब घर पर टूनी चिड़िया भी आ जाती है और कबूतर भी आ जाता है। कालू कौवे की माँ कहती है कालू से कि कालू बेटा ये बहू ने मुझे बांधकर वीराने में मरने के लिए छोड़ आई थी। तो टूनी चिड़िया कहती है कि माँ जी बहू ने नहीं तुम्हारे बेटे ने भी, दोनों ने मिलकर ये काम किया है, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो कबूतर कहता है कि कालू भैया मेरे पास कोई वसीयत नहीं है, मैंने तो तुम्हारी माँ का पता लगाने के लिए यह झूठ मूठ का नाटक किया था। फिर टूनी चिड़िया कहती है कालू कौवे की माँ से कि माँ जी तुम मेरे साथ चलो वरना अगली बार तो ये तुम्हें मार कर ही फेंक देंगे। तो कालू कौवे की माँ कालू से कहती है कि कालू बेटा तुमने एक बूढ़ी माँ का ये सिला दिया। लोग सच कहते हैं कि जब खून सफ़ेद हो जाता है तो अपने ही धोखा देते हैं। फिर वह टूनी चिड़िया और कबूतर और कालू कौवे की माँ तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अब कालू कौवा और गोरी कौवे को उनके किए की सज़ा मिल जाती है। जंगल में वह किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी अगर पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना।